Mustafa, Mustafa, don't worry, Mustafa. जी हाँ बच्चों, don't worry, exam से डरना नहीं है बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना है. वैसे मुस्तफा से याद आया कि मशीन में भी जमकर होने वाला है. मुस्तफा मुस्तफा, जी हाँ, हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने क्या सास बहू और सीरियल के कैमरे में कैद, तो देखिए भाई कैसे हुआ. मुस्तफा 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 मुस्तफा. अब्बास मस्तान के पास एक मशीन थी जिसका वो इस्तेमाल अब कर रहे हैं. 17 मार्च को मशीन आपको देखने के लिए पर्दे पर. सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका. जी थैंक यू सो मच. बहुत सर, ये बताइए, भाई की सेटिंग थी जो फिल्मों में आए? क्या ये भाई की सेटिंग थी जो फिल्मों में आए, क्योंकि भाई ने आपको कंसिडर किया फादर से? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उनको मैंने कुछ नहीं कहा था. वो उन्होंने अपने आप जो मुझे नोटिस किया था इतने टाइम में, इतने जो मैंने फिल्म असिस्ट की उसके बाद जो मैं सीन्स करता था, तो उस यू नो उसे देखकर वो उन्होंने कहा हुआ कि मुस्तफा को यू नो कास्ट करना चाहिए इस फिल्म के अंदर. तो बस यही उनकी सेटिंग बिल्कुल नहीं है और ना ही मैंने उनको बताया था इसके बारे में. यारा, आपकी तीन मूवीज करी हो, तीनों अलग अलग जॉनर की, सो यू फील गुड कि हाँ जॉनर एक सा नहीं हो रहा है, अलग अलग यू वर्किंग विद? एब्सोल्युटली, आई फील लाइक वेरी लकी कि मुझे तीनों फिल्में इतनी अलग और किरदार भी अलग, फिल्में भी अलग. तो यूजली क्या होता है, जब आप नए आते हो तो बहुत जल्दी आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है कि नहीं आप क्यूट और बबली हो, नहीं तो आप ये और ऐसे हो, हॉट और ये हो. तो तीनों फिल्मों में यू नो फर्स्ट फिल्म में मैंने बहुत ही ओदी डार्क थोड़ा सा रॉ कैरेक्टर का किरदार निभाया. सेकेंड फिल्म में आई वाज अ सिंपल गर्ल एंड दिस इज वेरी ग्लैमरस, वेरी पावरफुल. सो आई एम फिंगर्स क्रॉस कि जितना प्यार मुझे साक्षी के लिए मिला था उससे और अगर उससे कहीं ज्यादा प्यार भी मिल जाए सारा के लिए तो बहुत अच्छा होगा. मुस्तफा, वो कौन सी मशीन है जिसको 120 से 70 हो गए हैं? काफी मेहनत लगी 6 साल की. जी 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 जी, बहुत ज्यादा मेहनत लगी. एक्चुअली क्या ना, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ और अभी भी था और अभी भी हूँ. और क्या होता, मैं फिल्मों के लिए पतला नहीं हुआ था, मुझे एक्चुअली हेल्थ रीजंस के लिए होना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो गया था, मोटा हो गया था. तो इसलिए मुझे जो है 70 किलो मुझे वहाँ से घटाने पड़े. और जब मैं असिस्ट कर रहा था तभी मैं पतला ही था, तो एज सच कोई एक्टिंग से रिलेटेड है नहीं वो. नहीं, हमने आपकी पिक देखी थी इसलिए हमने पूछा. तो कैसा लग रहा है, क्योंकि जो आपके फादर थे रोमांटिक थ्रिलर में बादशाह हासिल है उनको, और अक्षय और शाहरुख जैसे उन्होंने स्टार्स, तो थोड़ा प्रेशर रहते कि यार इतने बड़े बड़े स्टार्स थे अब मेरे को लॉन्च कर रहे हैं तो लाइक. जी जी, नहीं एक्चुअली क्या है ना, उसके अंदर देखो डायरेक्टर की भी उतनी मेहनत है जितनी एक्टर्स की है, तो सबने बहुत मेहनत की है इसलिए आज वो वहाँ है जहाँ वो है. तो मैंने भी उतनी मेहनत की है और बस मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग मेरी फिल्म देखे और यू नो मैं बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ और कुछ नहीं. रवीना को मस्त मस्त गर्ल कहा जाता है, वो भी उनको एक टैग मिला जब उन्होंने किया, अब आपको अब आप कर रहे हैं, तो यू आर रेडी फॉर दिस टैग? If you're giving it to me, of course I love it. But it's a very special song. और हम बहुत लकी है कि हमें वो गाना मिला है. मुझे याद है बचपन में मैं आईने के सामने नाचती थी, अब मैं कैमरा के सामने इस गाने पे नाच रही हूँ तो कुछ और ही फीलिंग आती है, बिकॉज बचपन से ये करना चाहती थी. सो इट्स थैंक यू, थैंक्स टू द ऑडियंस हु आर लविंग द सॉन्ग एंड यू नो वी गॉट 5 मिलियन हिट्स ऑलरेडी 3 दिन में. सो तो ये गाना वापस आ रहे हैं यू नो फॉर आवर जनरेशन हु इज ग्रोन अप लविंग इट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. चलिए जाते जाते आप अपनी फैंस ऑडियंस को इस मूवी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मशीन है आप लेके आ रहे हैं 17 तारीख को? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सबको कि ये हमारी फिल्म मशीन जो 17 मार्च को रिलीज हो रही है, प्लीज जाइए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वी आर डेफिनेटली श्योर अबाउट इट दैट यू ऑल विल बी एंटरटेन्ड. जैसे मुस्तफा ने कहा सभी जाइए, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. एंड सब पूछ रहे कि फिल्म का नाम मशीन क्यों है, इसे जानने के लिए आपको फिल्म के लास्ट 30 मिनट्स में जो सडन ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, आई एम श्योर यू वुड बी डिसअपॉइंटेड. सो गो एंजॉय द फिल्म एंड इट्स एन अब्बास मस्तान थ्रिलर, सो इट्स अब्बास मस्तान एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल. मुस्तफा, वन क्वेश्चन कैन नॉट बी क्वेश्चन जाना, शाहरुख और सलमान ने एक गाना गाया था आपके लिए, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, सो जाते जाते लाइक आप अपने लिए यार बस मैं गा लूं अपने लिए. मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा, यू वर्क्ड हार्ड, एवरीवन विल लव यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो ये थे मुस्तफा कह रहे जिन्होंने बताया कि जो मूवी है इट्स वेरी लाइक वेरी इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग है. अपने दोस्तों के साथ जाइए, गर्लफ्रेंड्स को भी लेके जाइए, जिसको लेना चाहते हैं उसको ले जाइए, लेकिन जाइए जरूर देखिए. कैमरामैन डीके के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस.